हमारे साथ हैं ऋषभ नाथ जी और कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एंड वी वुड लव टू लिसन कि ये ब्रेक थ्रू आइडिया कहाँ से आया और ये एक्चुअली आइडिया है क्या। थैंक यू, आपने हमें बुलाया इतने इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में और आप बात करना चाहते हैं मिलियन डॉलर आइडियाज़ और थॉट प्रोसेस के ऊपर, और आपने हमें कंसिडर किया, दैट वाज अमेजिंग फीलिंग इन इटसेल्फ। सो कि जैसे कहते हैं कि कोई भी आइडिया आता है तो वो आइडिया आपके या तो एक्सपीरियंस से आता है, या तो आपको सुन के आता है, या आपके अंदर हमेशा से होता है। ऐसी सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई। अपनी अपनी नौकरियां करते हुए काफ़ी साल हो गए थे, अपनी अपनी जॉब के अंदर वो सारी चीज़ें पाली थी जो एक नॉर्मल आदमी को चाहिए होती है, सुख सुविधा वाली ज़िंदगी। सिर्फ आपके ऊपर कोई एक आधा कोई आदमी बैठा हो और आपके नीचे ही सारी कंपनी पूरी बिखरी हुई है, राइट, बसी हुई है। उस जगह पे बैठ के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखती हैं। वो कहते हैं कि जिराफ बहुत दूर तक का सोच सकता है, ऐसे ही कंपनियों में जो जितना ऊपर होता है वो उतनी ही दूर की चीज़ सोच पाता है। तो उसी चीज़ को हमने भी देखा कि जब आप बहुत ऊपर बैठे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि मैं संभाल लूँ, सुधार लूँ, सो दैट मेरी ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा के काम में किस तरीके से आराम आए। वही थॉट था ह्यूमनली को चालू करने का सबसे पहले। फिर लगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे कैसे बनाएं, वो सारी चीज़ें। सो नौकरी करते हुए कंटिन्यूस करते हुए बहुत सारे आइडियाज़ आते थे, टीममेट्स के साथ डिस्कशंस होते थे, जैसे सब लोगों के साथ होता है एक चाय या फिर कॉफ़ी एरियाज़ में बैठ के सब जन आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, ऐसे हम लोग भी करते थे। बट लगा कि वो सफिशिएंट नहीं है एक बिजनेस को बिल्ड करने जितना, वो तो चाय और कॉफ़ी की बातचीत है। I would definitely like to ask कि जो हम कुछ आइडिया लेकर तो निकल रहे हैं जर्नी पर इसमें कि कोई मेंटर्स की हमेशा जरूरत पड़ रही होगी, कोई टीम, कोई पार्टनरशिप्स, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट जर्नी? श्योर, कोई भी बड़े आइडिया के ऊपर अगर आपने उसको ब्रेनस्टॉर्म नहीं कराया प्रॉपर, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आप ही अपने आइडिया को सबसे महान मानते हो। तो अगर आपने वो नहीं चेक करा किसी के साथ तो आपको नहीं मालूम उसकी सक्सेस कितनी है कितनी नहीं है। और हमें ये वाली बात पहले से पता थी, तो हमने कहा कि वाई डोंट वी रियली टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल इन द फैमिली। तो हम गए, हमारे एक जियाजी हैं, वो बहुत अपने करियर के अंदर पिनाकल पे हैं, तो हम उनके पास गए, उनसे आइडिया डिस्कस करा, एंड उन्होंने सुनने के एक डेढ़ मिनट तक हमसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। एक डेढ़ मिनट में ही पूछने सवाल चालू करते, बिकॉज वही जो आदमी सक्सेसफुल है उसे मालूम है कि गड्ढे कहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने उसी तरीके के सवाल भी करे। तो जब उन्होंने सवाल करे तो हमें एक बार थोड़ा सा पुशबैक लगा कि ये तो सवाल तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, और आप डे वन पे सारी प्रिपरेशन करके नहीं जाते हो, हमारे साथ भी वही थी। लेकिन जब उन्होंने हमसे सवाल घुमा कर पूछने लगे, उनके हमने सही जवाब करे, तो हमें समझ में आ गया कि अगर इन्होंने इस सवाल के घुमा के पूछने लग गए, तो अगर कोई आदमी कोई चीज़ घूम सिर्फ जब ही सकता है जब वो उसको पूरा समझता है, वरना तो वो सामने से ही रिजेक्ट करता है। तो हमें वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस मिले। हम क्योंकि एआई के प्रोडक्ट बना रहे थे, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीनियर लोगों को रीच आउट करा, राइट। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बताया कि ये वाली चीज़ ऐसे नहीं बना पाओगे, टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं चलेंगी। उन सब चीज़ों के ऊपर कई बार ऐसा हुआ कि अरे ये तो बाद में खूब लोग तुम्हारा कॉपी कर लेंगे, तुम प्रॉब्लम ही पूरी सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो फिर हमने प्रोडक्ट को बहुत तरीके से उसके ऊपर बहुत R&D करी, फिर हम बार बार लेके जाते थे और बार बार हम उनसे नया ज्ञान लेके आते थे। तो 100% ही ऐसा होता है कि आपको जाना पड़ता है, और प्रोडक्ट के ऊपर सुधार कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप जाओ, लोगों से मिलो। फिर हमने कई पुराने साथियों से भी मिले कि यार हमने ऐसा कुछ बना रहे हैं, तुम्हें लगता है कि काम में आएगा? तो कई जनों ने बोला यार मेरी तो नौकरी चली जाएगी अगर ये वाला प्रोडक्ट बना लोगे। तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग ही नहीं करी कि अरे नहीं नहीं हम तो हमारी तो कंपनी निकाल देगी अगर हमने। मैंने कहा भाई तुम्हारे डायरेक्ट प्रोडक्ट पे टेस्टिंग नहीं करनी है, तुम्हें तो सिर्फ इसे यूज़ करके देखना है। तो भी वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन हमेशा ऐसा होता ही है कि आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। तो सपोर्ट धीरे धीरे मिलता गया, कुछ जने डरने लगे, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हर जने के दिमाग में था क्या AI मेरा जॉब रिप्लेस करेगा।
वो तो मेरा भी क्वेश्चन है कि क्या ना ह्यूमन का जॉब रिप्लेस करेगा एआई, या लोगों को टेक्निकली या बाई नॉलेज उनको कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है? आई थिंक टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है. अपन देखते हैं अपने फोन, वो पहले जो आते थे नोकिया 333-10 और आज हम सब एप्पल का 13, 14, 15 यूज़ कर रहे हैं. सो टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा भी बहुत सारी चीज़ें होती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हाँ ठीक है जॉब थोड़ी बहुत अगर जॉब जाएगी वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती है. वो जब मैं स्कूल के टाइम पे था तब मैं डिस्कशन देखा करता था कि भारत के पीएम राजीव गांधी जी भारत में कंप्यूटर लाना चाहते थे और उस समय स्ट्राइक्स करी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने कि कंप्यूटर आने से जॉब चले जाएगी. बट आज गवर्नमेंट का हर आदमी कंप्यूटर पे ही काम कर रहा है और गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ कम नहीं हुई है बल्कि बढ़े जा रही है, आज भी बढ़ ही रही है. सेम गोज विद एआई आल्सो कि एआई से काम का करने का तरीके का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा. लोगों को इवॉल्व होना पड़ेगा एआई को यूज़ करने के लिए, उसको अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए. तो यस ऐसा कुछ होगा जो कि लोग बेसिक काम कर रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे, वो सारा का सारा एआई ले लेगा. लेकिन एआई के ऊपर काम करने के लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्किल्स लेने पड़ेंगे, एजुकेट करना पड़ेगा. तो इन अ वे जॉब कम नहीं होंगे, जॉब बदल जाएंगे और जॉब बढ़ेंगे. True, I agree with this, कि हाँ changes हैं and evolve होते हुए. तो मैं अपनी mom को भी देख रही हूँ, when she is 72, now she is speaking in the mic कि मेरे लिए है ना चला दो YouTube channel और ये दिखा दो मुझको. तो now AI is working everywhere, even for the old people also. मेरे लिए fan on कर दो, सब कुछ हो जा रहा है तो everywhere. So everyone is ready to use. और हमको भी peace लगता है कि she is not calling कि भैया fan on करने. बिल्कुल. ये तो ऑब्वियस है, बट जो नॉलेज ऑलरेडी एनवायरनमेंट में है तो क्या वो नई एजुकेशंस लेना अपने आप को साथ साथ में स्टार्ट कर दें क्योंकि एनवायरनमेंट में होंगे? करेक्ट. ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि क्या अब एआई हर जने के लिए उतनी ही जरूरी है. बिल्कुल, पढ़ना भी और यूज़ करना भी. पढ़ना इसलिए सो दैट उसको यूज़ कर पाएँ और यूज़ करना इसलिए सो दैट मैं मेरी जॉब और मेरी आम जिंदगी के अंदर कन्वीनियंस लेकर आ पाऊँ. एक एग्जाम्पल से बात करते हैं. कॉन्टेंट राइटर्स एक टूल आया 30 नवंबर को लॉन्च हुआ और उसने कॉन्टेंट राइटर्स की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी, अच्छे के लिए. अब उनको पूरी मेहनत ग्राउंड अप नहीं करनी पड़ती, फटाफट 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 काम होता है, अपने थॉट लगाते हैं, वहाँ पूछते हैं, जवाब आते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं. तो ये कितनी आसान हो गया उस आदमी के लिए जो मुझे 7 दिन में एक कंटेंट लिख के देता था 2000 वर्ड्स का, अब मेरे को 20 मिनट में देता है. तो मेरा जो डिलीवरी का टाइम है, मेरा जो कंजम्पशन है वो भी कितना बढ़ गया. तो मुझे ज़्यादा कंटेंट राइटर्स ये बिकॉज मेरे पास अब पब्लिश करने की ज़्यादा जगह है. अगर एक ही आदमी 7 दिन लगाएगा और अभी एक आदमी से 20 मिनट लगाएगा तो मुझे भी लगेगा कि इस आदमी को मैं यूज़ करूँ ज़्यादा. सो उस थॉट प्रोसेस के कारण आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी बी मोर हेल्पफुल इन माई डे टू डे वर्क. और वो हर डिविजन में हो रहा है, ये सिर्फ कॉन्टेंट राइटर्स और राइटर्स के लिए ही नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन में भी सीरियस इसका यूज हो रहा है. राइट, जैसे मेरे एक कज़न है वो फॉरेंसिक्स पढ़ाते हैं, वो पहले पुलिस में थे और अब वो चैट जीपीटी को यूज़ करके अब फॉरेंसिक्स की एक्चुअल में पढ़ाई अपने स्टूडेंट्स को भी करवा पाते हैं. ये देखो ये वाली चीज़ ऐसे लिखी हुई है, वो वाली चीज़ वैसे लिखी हुई है. अदरवाइज फॉरेंसिक्स की बुक्स इंडिया में है ही बहुत कम, तो उनको खुद को अपनी पूरी बुक लिखनी पड़ती है. लेकिन अगर वहाँ एडिशनल नॉलेज है तो मैं उसको लिवरेज करूँगा. तो आप एआई को लिवरेज भी करोगे अपने जॉब और अपने वर्क में और रोज़मर्रा में भी एआई आपके डे टू डे चीज़ों में यूज ऑलरेडी हो ही रहा है. हाँ, मतलब वो मिथ है जो ये एक तरह का एक मिथ है कि एआई इज टेकिंग अस, बट इट इज एक्चुअली वी हैव टू लर्न कि उसको कैसे हम यूज कर रहे हैं अपने उसमें. एंड नाउ आई जस्ट वांटेड टू नो आपके जो तीन प्रोडक्ट्स, तीन या चार प्रोडक्ट्स हैं, वो वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके बारे में जरूर बताएं.
श्योर। सो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है डेटा ऑन डिमांड, और ये थॉट से आया, नौकरी करने जाते थे हम इतने साल, और नौकरी करने की एक बहुत बड़ी प्रिविलेज होता है कि आप नंबर्स के साथ खेलते हो, बट वो ज़्यादातर लोग खेलते नहीं हैं, नंबर्स से परेशान रहते हैं, क्योंकि नौकरी में आपको नंबर्स या तो छटाने होते हैं, कटाने होते हैं, या बनाने होते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके की नौकरी कर रहे होते हो। तो हमने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा टूल बनाया जो कि लोगों के लिए, जिन भी लोगों को डिसीजन लेने होते हैं नंबर्स को देख के, वो लोग रियल टाइम पर वेट करते हैं नंबर, सही नंबर को देख कर डिसीजन लेने में, और वो ले ही नहीं पाते, उसमें घंटों ही, कभी बार हफ्तों ही, और कभी बार महीनों लग जाते हैं राइट नंबर आइडेंटिफाई करने में। और ये लीडरशिप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली उस लेवल पे जिस आदमी को दिन के 10, 20, 50, 100 डिसीजंस लेने होते हैं, जिसके डिसीजंस पे रोज बहुत सारे लोगों की रोजगार चल रहा होता है, और वो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है, लीडर होता है, या फिर सीनियर मैनेजमेंट में बैठा हुआ होता है, उस आदमी को बहुत बड़ी समस्या है। हर कंपनी में, इवन गवर्नमेंट में, चाहे पूरी दुनिया का कोई भी कहीं आदमी बैठा हो, डेटा सबके लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है। कोई बना के देता है डेटा, वो बनाने की जो प्रॉब्लम है, और वो डेटा का जो स्प्रेड है, इतनी जगह बैठा है डेटा, मैं इतनी जगह से बनाकर एक जगह सोल्यूशन लेके आना तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए टीम्स बैठी हैं, आईटी टीम्स बैठी हैं, एनालिस्ट बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, लेकिन डेटा नहीं आता उसके साथ। एक्चुअल में डिसीजन इज इक्वल्स टू तारीख पे तारीख पे तारीख, और इसीलिए हमने इसका नाम भी ऐसा रखा, डेटा ऑन डिमांड, कि आप डिमांड करो अपने डेटा से कि मुझे बताओ कि इसमें है क्या। और वो सहूलियत लीडरशिप पे, उनकी लीडरशिप की भी एक छोटी सी टीम होती है जो उनसे पूछती है, अच्छा इसका नंबर बता, इससे ये आता है क्या, उससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, 5 जनों से क्यों पूछना है अगर आपके सामने पूरी सहूलियत है कि लो जी आप इससे पूछो आप सारे सवाल, डेटा के अंदर तो सारे जवाब हैं, वो भी तो वही जवाब देते हैं। तो ये डेटा ऑन डिमांड सॉल्यूशन एक छोटे बिजनेसमैन से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों तक हर जने के लिए उतना ही, हर बिजनेसमैन या फिर जॉब लेवल पे किसी भी आदमी के लिए उतना ही रेलेवेंट है। इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोई छोटा व्यापारी है या कोई दुकानदार है, कोई भी है, उसने अपनी दुकान पर सेल लगाई, डिस्काउंट दिया, उसकी सेल के अंदर कुछ इजाफा हुआ नहीं हुआ, वो कैसे ट्रैक करे? उसके पास ये पता करने के बहुत ही कम तरीके हैं कि एक्चुअल में मैंने डिस्काउंट तो दे दिया, मेरी सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और खाली सेल बढ़ गई तो लेकिन मेरे पास पैसे कितने आए, मेरा एंड ऑफ द डे तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, मेरा प्रॉफिट कितना आया। खाली मैंने डिस्काउंट दे दे के अपनी सेल बढ़ा दी और प्रॉफिट नहीं आया तो कोई काम नहीं है। तो वो कैसे कैलकुलेट करे? क्या उसके लिए उसको अकाउंटेंट के पास आने की ज़रूरत है? नहीं। डेटा ऑन डिमांड ऐसे व्यापारियों के लिए भी है जिनको ये टेक्नोलॉजीज का कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने उस पर लगाएं, सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर उसको लगाएं, और उससे सीधे सीधे सवाल कर सकें, और वो सवाल वैसे ही पूछ सकते हैं जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं अपनी भाषा में। आपको कोई कुछ भी सिस्टम पर जाके एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना फ़ोन लें, उसके ऊपर माइक ऑन करें और उससे पूछें कि मेरा कल का सेल कितनी थी, उसमें से मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा ये प्रोडक्ट ए कितना बिका, कौन से प्रोडक्ट की सेल कम हुई, ऐसे जो सवाल हैं वो आप अपने बाकायदा, हम उसे कहते हैं टॉक टू योर डेटा। सो एक हमारा शुरू से एक चीज़ हमारे अंदर ये थी कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। इतने साल नौकरी करी, कमाया, सारी चीज़ें अपने लिए बनाई, तो वहाँ हमारे दिमाग में एक चीज़ आया कि क्या हम AI को आम पब्लिक, इंडिया की आम पब्लिक, और उसमें भी क्या हेल्थ के अंदर लेकर आ सकते हैं, हेल्थ के अंदर AI कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आम जने के लिए। अपन ये जानते हैं कि अभी भी कहते हैं कि इंडिया 60-70% गाँव में बसता है, और अभी कोविड से 3 साल पहले ही कोविड ख़त्म हुआ है, अपन जानते हैं क्या कंडीशन थी। तो उसको लेके हमारे दिमाग में आया, क्या हम ऐसा कोई सोल्यूशन बना सकते हैं AI को लेके, जिससे कि गांव के अंदर जहां डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है, वहां पे मेडिकल टेस्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं,
क्या हम ऐसा कुछ सोल्यूशन बना सकते हैं कि डॉक्टर्स अगर नहीं भी हैं तो भी वहाँ काम चल सके, एआई हेल्प कर सके आपके ट्रीटमेंट में। सो उसी को लेके हमने हमारा पहला प्रोडक्ट बनाया, जिसके अंदर हम, क्योंकि एक निमोनिया डिटेक्शन हमने बनाया, निमोनिया इसलिए हमने चुना क्योंकि निमोनिया ऐसी बीमारी है जो आज भी दुनिया भर के अंदर 10 सबसे ज़्यादा लोग जिस बीमारी से मरते हैं उसके अंदर निमोनिया आती है, और ख़ास तौर से उसमें छोटे बच्चे, 5 साल से कम वाले बच्चे सबसे पहले शिकार बनते हैं निमोनिया का। और भारत में अभी भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इमीडिएटली निमोनिया आइडेंटिफाई हो सके, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, पल्मोलॉजिस्ट नहीं है। सो उसके लिए हमने हमारा सोल्यूशन बनाया कि जहाँ आप सिर्फ एक्सरे करा सकते हो, आपको कोई रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारा सोल्यूशन बताएगा कि आपको निमोनिया हुआ है कि नहीं हुआ है। डू पीपल बिलीव बिकॉज ऑफ एआई, क्या बिलीव हो जाएगा लोगों को कि हाँ दे कैन ऑप्ट फॉर दिस सोल्यूशन? हाँ एग्जैक्टली, तो वो उसको करने के तरीके हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट अभी इस मामले में थोड़ी सी पीछे है। जैसे इंडिया के अंदर ICMR जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करती हैं, तो उनके इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अप्रूवल देते हैं ये इम्प्लीमेंट करने के। प्लस दूसरे तरीके ये हैं कि आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट का पैरेलल टेस्टिंग होता है कि ये रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है और हमारे AI की रिपोर्ट क्या कहती है, वो कितनी परसेंट सिमिलर है, उसकी एक्यूरेसी का परसेंटेज कितना है, उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट होता है। तो वो मतलब अलग से इम्प्लीमेंट नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को जाके दे दिया कि आप ये लगा लीजिए और इससे आपका वो आ जाएगा। इट हैज़ टू गो थ्रू डॉक्टर, वो आम पब्लिक को नहीं देते हम देते ही मेडिकल प्रोफेशनल को हैं, कि ताकि वो रिज़ल्ट सही आए और पेशेंट को क्या पता चलेगा कि अगर निमोनिया आ भी गया तो उसको क्या करना है, या निमोनिया है, इन्फेक्शन कितना बढ़ा हुआ है या नहीं है। तो इसीलिए वो हम देते ही सोल्यूशन डॉक्टर्स को हैं। इस तरीके के हम कई सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं स्वास्थ्य के अंदर। अभी हम एक सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं जिसके लिए हम कहना चाहेंगे कि हम इंडिया की पहली AI की कंपनी है जो ये वाला काम कर रहे हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर अपन जानते हैं कोविड का SARS कोविड वायरस था, उसने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही कोविड थोड़ा सा इंडिया के अंदर वापस आया था। तो वो वायरस कंटिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, क्या अपन उससे स्मार्ट बन सकते हैं, क्या AI उसके अंदर हमारी हेल्प कर सकती है कि जो वायरस की अगली चाल क्या होगी, वो कैसे अपने आप को चेंज कर रहा है, हम अपने आप को कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या दवाई जो बन रही है, वैक्सीन जो बन रही है, उसको और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं उस SARS कोविड वायरस के लिए। तो उसके लिए हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, जो अभी हमने शुरू किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि हम इंडिया की पहली कंपनी है, और एज रिसेंट एज लास्ट मंथ हम इसी चीज़ के सिलसिले में भारत के IT मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर जी से भी हमारी मिलना हुआ, हमने उनको भी इस बारे में अवगत कराया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हम स्वस्थ के अंदर बना रहे हैं, जहाँ AI आम पब्लिक के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, सबके लिए एक साथ काम कर सके। सो आइडिया ये है वर्तिका जी, कि हम लोग ये सोचना चाह रहे हैं कि किस तरीके के ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे लार्जर ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, वैल्यू ऑन द टेबल कैसा है। और हर पढ़ा लिखा आदमी ये वाली चीज़ समझता है कि पढ़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ग्रोथ है, बिकॉज हर जने को इंडिया के अंदर नेक्स्ट टारगेट इज़ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा लोग घुसते हैं, बिकॉज वहीं से सोल्यूशन सबसे ज़्यादा निकलते हैं, पढ़ना बेस होता है किसी भी चीज़ का। और क्योंकि हम यहीं के हैं, हम ये वाली चीज़ यहाँ के चैलेंजेस भी जानते हैं कि पढ़ाई के अंदर आज भी जो गांव और देहात का तबका है, उस वाले तबके तक पढ़ाई पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है। आज भी वहाँ पर 4 किलोमीटर पर एक स्कूल होना एक बहुत ही आम बात है,
और यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर 4 किलोमीटर में 10 स्कूल्स हैं और वो भी टॉप नॉच स्कूल्स हैं, लेकिन उस बच्चे का क्या जिसके एक्चुअल में 4 किलोमीटर नहीं, कभी कभार 10 किलोमीटर तक दूर कोई स्कूल नहीं है। तो जब स्कूल नहीं है तो टीचर भी नहीं है तो किताब भी नहीं है। अब उस बच्चे को अगर IIT जाना है, CA बनना है या ग्राफिक्स का कोई कोर्स करना है, उस बच्चे को ना बताने वाला कोई, क्योंकि उसके ऊपर की जितनी भी हायरार्की है सिस्टम ही नहीं है उस बच्चे के लिए। तो हमने कहा कि एक ऐसा टूल बनाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, उसका नाम हमने रखा प्रज्ञान, क्योंकि भारत जो चांद पे लैंड करा उसके नाम पे हमने रखा, ये हमारी शान की बात है। हमने कहा नहीं, हमारे प्रोडक्ट का नाम ही ऐसा रखेंगे सो दैट हम दिखाएं कि एजुकेशन से आप कहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमने प्रज्ञान को बनाया इस हिसाब से कि हर बच्चा, चाहे वो 6th का हो चाहे वो 16th का हो, मीन्स टेक्निकल भी, उस प्रोडक्ट को यूज़ करके और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। उसको टीचर के साथ 20 मिनट एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर एकदम से कमरे के बाहर निकल रही तो मैम ये वाली चीज़ ऐसी है क्या, कितने सारे बच्चे पूछ पाते हैं, उनके पास अवसर ही नहीं है चाहे अच्छे से अच्छा स्कूल हो अच्छे से अच्छा कॉलेज हो, क्योंकि सबको टाइम लाइन्स में बंधे हुए हैं तो ना बच्चा पूछ पाता है ना उसको रिजॉल्व कर पाता है, और लिमिटेड बच्चे ही कहीं भी अचीवमेंट कर पाते हैं। यही अगर आपके सामने एक ऐसा टूल है जिससे आप पूछो सवाल, वो देगा आपको जवाब। और जवाबों की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है पढ़ाई के अंदर। खूबसूरती यह है कि अगर आपने अपनी किताब के बाहर की चीज़ लिखी एटलीस्ट 12th तक, तो उस वाली चीज़ पे आपको जवाब नहीं मिलेंगे। मैं मेरे बड़े भाई साहब की किताब पढ़ के 12th में एग्ज़ाम्स में लिख के आता था इंटरनल्स में, और नंबर एक्चुअल में नहीं मिलते थे। वो चीज़ बढ़िया होती थी लेकिन आपको बोर्ड्स में वो चीज़ लिखनी होती है जो बुक के अंदर का है। ये थोड़ी ना आपको ज्ञान है तो आप सारा एग्ज़ाम में निकालो, तो वो रखो अपने पास। तो हमने उसको दिया सोर्स। सोर्स मतलब कि ये कहाँ से आपने जो AI का आंसर लिखा है वो किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन नहीं जनरेट करी है आपने, या गूगल से या ChatGPT से जनरेट नहीं करी है आपने। आपने वो करी है जो उस किताब का है, और उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। जस्ट डाउनलोड प्रज्ञान और आप अपनी क्लास भरो, अपना सब्जेक्ट भरो और सवाल पूछना चालू करो, सो दैट आपको ये मालूम है पैराग्राफ नंबर 3 पेज नंबर 62 पे इस वाले क्वेश्चन का जवाब है। Nobody can question you कि सर मैंने ये वाला जवाब लिखा है। More products are even with you. Yeah. जी, 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 तो हमारा एक और प्रोडक्ट है जिसका अगेन इससे मिलता जुलता है और थोड़ा अलग भी है काफ़ी, जिसका नाम है नॉलेज विक। तो उसके अंदर क्या है कि आजकल अपन देख रहे हैं कि डेटा जो है वो बहुत ही अलग, पहले तो ये होता था कि जो कंप्यूटर के अंदर डेटा है वही तरीके का डेटा है, एक्सेल के अंदर है वही डेटा है, हिसाब किताब का डेटा है वही डेटा है। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। अपन देखते हैं फेसबुक के अंदर लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं वो डेटा है, लोग कमेंट्स करते हैं उस तरीके का वो डेटा है, अपन कोई भी कुछ भी चीज़ लिखते हैं उसको अपलोड करते हैं तो वर्ड में सेव करते हैं, PDF में सेव करते हैं, अलग अलग तरीके के डेटा है जिसको टेक्नोलॉजी की लाइन के अंदर हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें ये सारे प्रकार के डेटा आते हैं, जिसके अंदर इमेजेस भी आ जाती हैं, वीडियोस भी आ जाते हैं, और वो अगर आपको उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो जो कि पहले बहुत ही मुश्किल था, अगर हम AI से पहले की बात करें तो ये काम बहुत ही मुश्किल था, तो उसके लिए हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया नॉलेज विक। कि अगर हमारे को उसके अंदर ये पता करना है कि हमारे अलग किस्म के डेटा के अंदर क्या है, जैसे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ ये है कि अपने पास 50 फ़ोटो पड़ी है उस, और मेरे को सारी 50 फ़ोटो नहीं देखनी, मेरे को ये पता करना है मेरी कौन सी है, तो मैं अपनी एक फ़ोटो डाल के ये पता करूँगा कि मेरी फ़ोटो कौन सी फ़ोटो के अंदर अवेलेबल है। या अगर मेरे को कोई स्पेसिफ़िक चीज़ पढ़नी है तो मैं वही स्पेसिफ़िक चीज़ पढ़ूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है अगर कोई 50 पेज का किसी ने कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया, या बजट अभी कल राजस्थान का आया तो अब मेरे को उस ये मतलब है कि भैया कि स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने कोई नया इनिशिएटिव किया क्या, या टैक्स के अंदर कोई बदलाव किया, या पेट्रोल के अंदर कोई बदलाव किया क्या, तो मेरे को पूरा बजट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉलेज वीक के थ्रू मैं बजट उसके अंदर डालूँगा और उससे ही पूछूँगा कि ये 3-4 सवाल कि
उसके अंदर मेरे लिए चिरंजीवी योजना का नाम अब क्या हो गया है, कितने की लिमिट है, तो बस मैं सिर्फ वही चीज़ पूछूं जो मेरे को चाहिए और इट विल आंसर ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन. बजट और स्टार्टर्स और इन सब की बात हो रही है तो डेफिनेटली आई एम गोना आस्क कि कहां से फंडिंग, बिकॉज़ दिस गेटिंग इनटू अ एम और ऑब्वियस है कि यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड आल्सो, यू हैव टू नीड अ लाइसेंस. मेरे ख्याल से किसी चीज़ के लिए पीछे बहुत सारी चीज़ें होती होंगी और एक्रेडिशंस भी हैं, तो हाउ दैट स्टार्टेड एंड हाउ दैट वर्क. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जैसे अपन अभी जहाँ बैठे हुए हैं ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है. सो मैं क्योंकि अभी राजस्थान में हूँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक इतनी खूबसूरत प्रोविजनिंग दे रखी है स्टार्टअप्स को कि वो आएँ और अपने आप को रजिस्टर कराएँ इनके आई स्टार्ट प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का रन होता है, और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में DPIIT करके एक एंटिटी है जिसमें स्टार्टअप इंडिया, जो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने उसको चालू करा, तो वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए. जैसे हम राजस्थान में हैं तो आई स्टार्ट में रजिस्टर करवाइए और फिर गवर्नमेंट आपको कई प्रोविजनिंग्स देती है. स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट ग्रांट्स लेकर आती है ईयरली, और सेंटर लेवल पे भी ऐसा ही है कि इन्हें बोलते हैं इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स, कि आप इंक्यूबेट होइए कहीं अच्छी जगह और वहाँ पर आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों की नेटवर्किंग एलिमेंट मिलता है आपको, क्योंकि आप कोवर्किंग स्पेसेस में बैठे होते हैं तो आपको दूसरे स्टार्टअप्स के बारे में मालूम चलता है, क्या आप अपने उस इकोसिस्टम से सीख पाते हैं या उस इकोसिस्टम को दे पाते हैं. बिजनेसमैन हमेशा या तो अपनी सर्विसेज इमीडिएट आसपास देने की कोशिश करते हैं या इमीडिएट आसपास लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे इकोसिस्टम मिलता है. प्लस गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंटली जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आप जैसे हम साइंस सेक्टर के हैं तो गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं. मीटी करके गवर्नमेंट का एक एंटिटी है, उसी के अंदर और फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग विद इन द डिपार्टमेंट्स के ऊपर ग्रांट देती है गवर्नमेंट और डेट भी देती है गवर्नमेंट कि आप जाइए, आपका अगर आपको हमारा अगर किसी स्टार्टअप का आइडिया अच्छा लगता है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से फंड करती है, एटलीस्ट बेसिक फंडिंग करती है. सेम गोज विद स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, और अक्रॉस इंडिया अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने प्रोग्राम्स रन करती हैं, और उसमें ऐसा नहीं होता कि मैं क्योंकि राजस्थान में हूँ तो मैं गुजरात में नहीं अप्लाई कर सकता या मैं कर्नाटक में नहीं अप्लाई कर सकता, उस चीज़ के लिए वो हमेशा ओपन होती है. हाँ ऑफकोर्स कि अगर आपका आइडिया इतना अच्छा है ही नहीं तो अगर आप राजस्थान में बैठे हो तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि मेरिट हर जगह ही प्रेफरेंस दी जाती है. मतलब आइडिया इज आल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यस एब्सोल्युटली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हर चीज़ के अंदर सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपको हर चीज़ के अंदर सपोर्ट कर रही है. जैसा कि ऋषभ ने बताया, मिट्टी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, और बहुत इसके अलावा STPI है. ये सब आपको अलग अलग प्रकार के ऋण देते हैं, आपको अलग अलग प्रकार की ग्रांट्स देते हैं. ये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जिनको नॉर्मल उसमें एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है. और एंजल इन्वेस्टर्स आपको अगेन वो आपकी मेरिट आइडिया पे देख के, प्लस आपकी सेल्स कितनी है, आपकी टीम कैसी है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप उसको आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन सारी चीज़ों को देख के आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स के बाद वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जिनको कॉमन उसमें VC बोलते हैं, वो आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं. तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, और अभी इंडिया में इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज 1,20,000 लगभग स्टार्टअप्स इस समय मौजूद हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी रिबेट्स भी मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से भी. सेंटर गवर्नमेंट आपको 3 साल के टैक्सेशन के ऊपर फ्री देता है कि आपको कोई टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑफकोर्स डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन क्वालिफिकेशन. गवर्नमेंट ऐसा टेंडर्स में भी वो देती है कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको EMD अर्नेस्ट मनी की फ्री है, आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरीके की कई सारी सुविधाएं हैं
जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, अपनी स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं अभी। है, पर क्या चैलेंजिंग नहीं है टू रीच टू देम? चैलेंजिंग डेफिनेटली है टू उसके अंदर। देखिए एक्चुअली क्या है, जो आपके आपके आइडिया में कितने मेरिट है, आप कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आप मेरी दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, मतलब आप रियली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीज़ें तो है ही। बिकॉज आप कितना भी अपने बारे में सोच लें, अगर उसको कोई दूसरा वैलिडेट करने वाला नहीं है तो यू कैन नॉट से इट्स अ गुड आइडिया। सो वहाँ डेफिनेटली इट्स इट्स नॉट लाइक ईजी और डिफिकल्ट वाला गेम नहीं है, बट मैरिट वाला गेम है। और परसिस्टेंसी जो अपन बोलते हैं, आपको कंटिन्यूसली उसको अंदर लगा रहना पड़ता है। और एक और जो स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर बोलना चाहता है कि इफ़ यू आर फेलिंग देन फेल फास्ट। इट्स नॉट कि मतलब आप फेल हो रहे हैं एंड देन यू आर वेटिंग यार आई एम फेलिंग। सो नहीं, उतने के अंदर भैया अगर जो करना है मेरे को अभी करना है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ ओके क्विट, अब मैं उससे बेटर करूँगा। अभी वो वाला टाइम है ना कि कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करें, मतलब आप तुरंत स्विच करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फास्ट जितना डिसाइड करेंगे, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड क्विकली गेट बैक फ्रॉम दैट प्लेस और अनदर आइडिया के साथ में, या आप उसको चेंजेस लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, और सारे ही बिजनेसेस, सिर्फ हमारा या आपका या किसी और का, हर समय पिविटिंग करते ही रहते हैं सब। कि मैं पहले टायर बनाता था, अब मैं स्टील टायर में जो लगता है ठीक है उस वाली कंपनी में भी घुस सकता हूँ क्या? तो मैं हमेशा मैं क्योंकि एडवाइज़र रहा हूँ, तो मैं हमेशा बिजनेसेस को बोलता था, तुम कोई भी बिजनेस यहाँ पर अगर तुम बैठे हो तो दो बिजनेसेस पीछे के और दो बिजनेसेस आगे के हर समय सोच के रखने चाहिए, जो तुम्हारे इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे कि अगर मैं रिटेलर हूँ, मेरी नॉर्मल रिटेल की कोई सी भी शॉप है, अगर मैं कपड़े बेचता हूँ, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि उसके अंदर क्या, मैं कपड़े बेचने से पहले क्या तीन काम होते हैं, कपड़े आप तक पहुँचते हैं वो भी एक काम होता है, कपड़े बनते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, वेयरहाउस में रखे जाते हैं, क्या मैं ये सारे काम अपने अंदर ले सकता हूँ? भाई रिटेलर तो फाइनल आदमी होता है, लेकिन अगर उससे पहले के भी तो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, वेयरहाउसिंग होती है, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स होता है, तो मैं जो भी वहाँ के हैं क्या मैं वो बिजनेसेस मैं अपने अंदर ले लूँ? तो ये वाला थॉट हर बिजनेसेस को हर समय रखना चाहिए, क्योंकि आपको पिविट करते ही रहना पड़ता है। अब ये नहीं है कि मेरी एक बढ़िया सी रिटेल की शॉप है, मैंने लुई फिलिप या फिर वेनुसन का शोरूम ले लिया और मैं पूरी ज़िंदगी भर इस पर चला लूँगा, ऐसा कोई सा भी बिजनेस नहीं होता। सिर्फ रिटेल का ही नहीं, कोई से भी बिजनेसेस के ऊपर कभी भी ऐसा नहीं होता। जो ये वाला काम कर रहा है उसके चारों तरफ उस समय हर समय एक्टिव रहना चाहिए, एटलीस्ट उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप हर समय सोचते ही रहते हैं, सो दैट इट हेल्प्स यू टू पिविट। क्योंकि आप नीचे जाते हो, हर बिजनेस नीचे जाता है, लेकिन वो जब निकल के आता है तो वो नए आइडियाज के साथ निकल के आता है, बिकॉज उसने ये सारी चीजों की स्टडी कर रखी होती है। बिजनेस के बारे में समझना, पर अब वो टाइम है कि आप, आई शुड कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू और आपकी टीम को। थैंक यू, पर ये कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अवार्ड, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू, कि ये अवार्ड क्या है स्टोरीज के बारे में और किस तरह से यू रीच देयर टू गेट द अवार्ड। श्योर, सो वॉइस चैलेंज है जो नैसकॉम एआई ने कुछ टाइम पहले स्टार्टअप इंडिया के ऊपर डाला था, कि हूसएवर हैव एन आइडिया टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम वुड बी सेलेक्टेड। तो हम एज अ एआई की स्टार्टअप हम लोगों ने भी डाला, सो उनकी जो प्रॉब्लम उन्होंने दी गई, सो वी गॉट सेलेक्टेड, सो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड एंड देन वी इमर्ज्ड एज अ विनर टू दैट प्रॉब्लम। सो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा आइडिया, कोई भी आइडिया जब होता है, जब वो इंडस्ट्री या फिर कोई भी जना उसको वैलिडेट करता है, आपने बना लिया बहुत अच्छी बात, किसने देखा किसको पता। सो जब हमें इतनी बड़ी जगह से आया तो इट गेव अस अ वेरी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस कि जो हमने बनाया है वो डायरेक्टली किसी के यूज़ आ रहा है, एंड दैट टू सच अ बिग एट सच अ बिग एंटिटी लेवल।
सो इट गेव अस अ लॉट ऑफ थॉट. हमने हमारी टीम के साथ वी स्पेंड आवर्स एंड वीक्स टू रियली प्रोड्यूस दैट, और हमारी टीम ने इतना स्मूथली वाली चीज़ें ऐसे निकाली. इवन वेन वी बोथ वर ट्रैवलिंग तभी भी टीम वॉज एबल टू वर्क विदाउट दैट काइंड ऑफ अ फुल टाइम सपोर्ट. तो थॉट ये होता है कि एक कंपनी सिर्फ दो जने नहीं होते, पूरी फुल टीम होती है. सो उस तरीके से टीम ने एक बहुत ज़बरदस्त कोलैबोरेटिव एफर्ट दिया थॉट प्रोसेस के साथ एग्जीक्यूशन में. तो अवार्ड तो सिर्फ एक जरिया है एप्रिसिएशन का. दूसरा अभी हमारे को रिकॉग्निशन मिला वेरी रिसेंटली. अपन ये जानते हैं कि डीप फेक के बारे में बहुत सारे चीज़ें हो रही है, लोगों के अलग अलग गलत तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, इमेजेस ऐसी इमेजेस आ रही हैं जो कभी किसी ने खिंचाई नहीं. उस चीज़ को थीम को रख के, क्योंकि भारत अभी G20 का अध्यक्षता कर रहा था, तो यहाँ पे भारत के अंदर ही, दिल्ली के अंदर ही ग्लोबल AI सबमिट हुआ था और उसका थीम यही था रिस्पॉन्सिबल AI, जिसके अंदर डीप फेक को कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कितनी अच्छे से आप डिटेक्ट कर सकते हैं. तो उस तरीके का ओपन चैलेंज थ्रो किया गया था और वो ग्लोबल चैलेंज था. तो हम उसके अंदर फाइनल के अंदर आए, वी वर रेटेड अमंग टॉप कंपनीज हु गेव देयर सॉल्यूशन फॉर डिटेक्टिंग डीप फेक्स. सो वी अलॉन्ग विद आवर टीम रियली वर्कड हार्ड. और कैसे इतने सारे वीडियोस क्यों बन के आ रहे हैं, कहाँ बन के आ रहे हैं, बहुत सारी उस चीज़ के ऊपर हम अभी और काम कर रहे हैं. फेक न्यूज़ एक बहुत रियली अप्रिशिएबल फेक न्यूज़ आप लोग रियल ग्रेट वर्क. हाँ, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि कौन सी न्यूज़, ये कैसे पता करें कि कौन सी न्यूज़ फेक है, खाली वीडियो फोटो न्यूज़. So, उन सारी चीजों के ऊपर हम काम. वो जो गलत फायर एक लगता है ना, दैट स्पॉइल द होल एनवायरनमेंट. और हम उसी गलत थॉट से आगे बढ़ते ही जाते हैं. और अगर AI अगर इसमें भी सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली. एडमिशन कार्ड्स हम जानते हैं कि जाली, बहुत सारे ठप्पे लगते हैं, ठीक है, फोटोज के ऊपर उल्टे सीधे सिग्नेचर आते हैं. तो वो सारी चीजें जो ये प्रॉब्लम है, ये रियल है, हमें मालूम है कि ये सब रियल है. तो हाउ टू कर्ब दैट, उस चीज़ के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया डीप फेक, जो अभी प्रोडक्शन मतलब लेवल तक आ गया है. हमें अप्रिसिएशन तो मिल गया, बट हमने अभी ओपन फॉर मार्केट नहीं करा है. अनदर थिंग विच जो एक और एंटरप्रेन्योर को समझनी चाहिए कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी जानना है. मतलब इट इज़ वेरी ईजी टू क्रिटिसाइज योर कॉम्पिटिटर्स, वो हम सब करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू सी दैट हाउ वी कैन बिकम बेटर फ्रॉम देम. सो वो एक एज अ फाउंडर इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप, यू शुड बी लाइक, मतलब मेरी आँखें तो 180 डिग्रीज भी नहीं देख पाती, बट एज अ फाउंडर यू शुड लुक 360 डिग्री अराउंड यू. ऋषभ जी एंड कपिल जी, एंड इट वॉज वेरी मच इंसाइटफुल कि हमारे व्यूअर्स इस चीज समझ पाएंगे कि मतलब मुझे लगा कि इन डेप्थ सारी ही नॉलेजेस आपने दे दिया है, कैसे स्टार्ट करें और टू कैसे रिटेन करें अपने आप को और कैसे स्केल करें. थैंक यू सो मच.